गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स। सो ऑन पेज नंबर 178 क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कोई भी दो कंडीशंस बतानी है गुड हेल्थ के लिए। सो सबसे पहले है सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड पब्लिक एंड क्लीनलीनेस, देन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अर्निंग्स, एंड देन सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी। हमने इसमें चार बता दिया है। देन सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट एनी टू कंडीशंस जिसपे हमें क्या है एसेंशियल है फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज से फ्री हो, ऐसे कोई भी दो कंडीशंस। तो फर्स्ट है हैविंग गुड फूड बैलेंस डाइट होनी चाहिए, देन सेकेंड पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन मेंटेनेंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आर दी आंसर्स टू दी अबव क्वेश्चन नेसेसिटी दी सेम और डिफरेंट। वाई जो ऊपर जो हमने आंसर दिए हैं क्वेश्चन के, उनकी जो नेसेसिटी है वो सेम है या डिफरेंट है और क्यों ऐसा। सो दी आंसर्स आर नॉट सेम ऑल द टाइम, जो आंसर्स है वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, बिकॉज द मीनिंग ऑफ हेल्थ वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो हेल्थ का जो मीनिंग है वो वरी करता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, इससे गुड हेल्थ है, ठीक है, किसके लिए डेमो यहाँ पे बोला गया है, देन एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी, डांस जो कोई भी डांसर है तो उसकी बॉडी जो है वो एबल होती है स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है, इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस में। ऑन दी अदर हैंड अगर एक गुड हेल्थ है किसी भी म्यूजिशियन के लिए, सो मे मीन हैव इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, लंग्स टू कंट्रोल हिज वॉइस होनी चाहिए, और अगर सिमिलरिटी बोथ दी केसेस में देखी जाए तो कंडीशन जो एसेंशियल गुड हेल्थ के लिए वो मेंटेन्ड है, देन द चांस ऑफ गेटिंग एनी डिजीज इज जीरो होता है, डिजीज होने का कोई भी चांस जो है वो जीरो होता है। देन नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर 180, सो क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव लिस्ट 23 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर इफ ओनली वन इफ देयर सिम्टम्स वर प्रेजेंट। इसे बोला गया है कि आपको तीन रीज़न देने हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हो और आपको डॉक्टर है उसके पास जाना है, और ये जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो स्टिल वुड यू स्टिल गो टू, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे, वाई और वाई नॉट। सो व्हेन देयर इज, तो जब डिजीज़ होती है तो उसके सिम्टम्स जो या साइन है वो दिखते हैं, ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स है ये हेडेक है, कफ है, लूज मोशंस है, वाउंड है, या फिर पस हो गया एक्सेट्रा, ये सब है। सो दीज, ये जो सिम्टम्स है ये इंडिकेट करते हैं डिजीज़ को, ठीक है, बट डू नॉट टेल व्हाट मे डिजीज, पर ये नहीं बताते कि डिजीज़ कौन सी है। तो ये एडवाइजेबल है कि डॉक्टर के पास जाए, डायग्नोसिस हो, साइंस जो कोई भी साइंस जो है डिजीज़ के, उनके बेसिस पे उनके सिम्टम्स से पता चले, डॉक्टर जो है वो लेबोरेटरी के टेस्ट जो है वो सब होना चाहिए ताकि रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन जो है पर्टिकुलर डिजीज़ की वो हमें मिल सके। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ मे लाइकली टू बी मोस्ट और इम्प्लीमेंट। तो हमें कुछ दिया गया है, उनमें से कौन सा है जो लॉन्ग लास्टिंग आपको इफेक्ट देता है आपकी बॉडी पे, तो जॉन्डिस है, ठीक है, लीस है, या फिर एस है। सो अवर बॉडी विल नॉट बी अफेक्टेड इज एंड एस वेरी मच, हमारे पास किसी जो है जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ जॉन्डिस पर लीस या एस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, पर जब जॉन्डिस की बात आती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एग्जाम्पल है हाई टेम्परेचर है, हेडेक है, जॉइंट पेन्स है, फीलिंग नर्व्स या वॉमिटिंग, देन इरीटेटिंग रैशेज है। सो पेशेंट जो है वो सफ़र करता है पुअर हेल्थ से एंड विल रिकवर होने में उसे टाइम लगता है। देन ऑन पेज नंबर 187 क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। हम लोग क्यों एडवाइस जो है वो लेते हैं कि जब हमें ब्लैंड होता है तो हमें नरिशिंग फूड होना चाहिए जब हम लोग सिक हो। तो सॉल्यूशन है कि जितने भी नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम लोग इल होते हैं, सो नरिशिंग फूड रिक्वायर्ड होता है, सो इजीली डाइजेस्टेबल, ओके है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और कंटेन करता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है। दिस इज द मेन रीज़न दैट ब्लैंड एंड नरिशिंग, ये मेन रीज़न है ब्लैंड और नरिशिंग फूड जो है वो उसका उसे एडवाइस करने के लिए सिकनेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वी हैव, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड, कौन सी डिफरेंट मीन्स जिसके कारण इन्फेक्शियस डिजीज जो है स्प्रेड होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव थ्रू एयर, एयर है जिसके थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं, लाइक द अनइन्फेक्टेड पर्सन व्हेन स्नीज या और कफ, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो स्नीज करता है कफ रिलीज करता है उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्रो होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं दूसरे हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड माइक्रोस्कोप एंटर आर न्यू बॉडी, ताकि तो क्या होता है कि एयर जो है उसके थ्रू माइक्रोब जो है वो नई बॉडी में एंटर करते हैं। देन सेकेंड है थ्रू वाटर, कंटामिनेटेड वाटर जो है, ठीक है, वो इफेक्ट करता है कोई भी पीपल, किसी भी बहुत सारे पीपल को, या फिर ये बोलो कि उन्हें इल बनाता है। एग्जाम्पल है क्लोरेरा है, एम्बियोसाइसिस, हेपेटाइटिस है, स्प्रेड थ्रू वाटर के होते हैं जो ये सब।
थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सम डिजीज़, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है उसके थ्रू भी कुछ डिजीज़ है जो स्प्रेड होती है, जैसे एड्स या साइफिलिस है, ठीक है। ये ट्रांसमिट होते हैं बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अदर देन इट्स एड्स वायरस, और स्प्रेड थ्रू होते हैं ब्लड इन्फेक्टेड स्प्रिंग्स और इन्फेक्टेड मदर जो है इन सबसे टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। देन नेक्स्ट है वेक्टर्स जो है वो उसके थ्रू भी होते हैं। देर आर सम एनिमल्स है, ठीक है, जो एक्ट करते हैं इंटरमीडियंस ऑफ वेक्टर्स जैसे कि फॉर पर्टिकुलर डिजीज, जैसे कि वेक्टर्स है वो डिजीज़ कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मस्किटो है स्प्रेड मलेरिया करता है कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में, ठीक है, वाइल सकिंग देयर ब्लड, ब्लड को सक करके कॉज करता है वो। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस दी इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ है उसे आपके स्कूल में रिड्यूस करने के लिए आप कौन से प्रिकॉशंस से वो ले सकते हो ये देना है, बताना है आपको। तो वो कुछ है हमारे पास, देखिए। फर्स्ट, एनिमल कॉन्टैक्ट आर स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम अनबॉर्न डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड कफ आई फ्लू वगैरह है, ठीक है। तो एनिमल सॉरी यहाँ पे बोला गया कि कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड करना होता है जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं डिजीज से, जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, आई फ्लू है, इन सब से। देन सेकंड, बाय चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल, स्कूल जो है उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। देन थर्ड है क्लीन सराउंडिंग इन स्कूल विल नॉट अलाउ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, जो क्लीन सराउंडिंग होती है स्कूल की वो ग्रोथ नहीं, वो ग्रो या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं फैक्टर्स को। देन नेक्स्ट है स्टार्टिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन स्कूल, स्कूल जो है उसमें चिल्ड्रन जो है उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसे स्टार्ट करने चाहिए। देन क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। सो इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन टू अ हेल्थी पर्सन इन ऑर्डर टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। इम्यूनाइजेशन का एक प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें वैक्सीन का, जिसमें हेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर ताकि वो डेवलप कर सके इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इम्यूनिटी मतलब क्या, एक बॉडी की एबिलिटी है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके और एलिमिनेट कर सके जो एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो आते हैं उनको। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 187 वी हैव क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दिस डिस्कस आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। तो कौन सी ऐसी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है जो अवेलेबल होते हैं आपके नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है उसमें सॉरी और जो आपकी लोकेलिटी के अंदर है उसमें, और कौन सी डिजीज़ है या कौन सा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो उसमें उस एरिया में डिस्कस किए जाते हैं। सो वी हैव सम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन अवर लोकेलिटीज आर। फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन फॉर इम्पैक्ट ऑफ पीटी एक्ट एज इन मेसिस एंड MMR। देन नेक्स्ट बी, फॉर चिल्ड्रन टाइफॉइड TT DT स्मॉल पॉक्स एंड TAB। देन फॉर प्रेगनेंट वुमेन TT हेपेटाइटिस बी, द डिजीज लाइक टाइफॉइड है, पोलियो है या मिसलेस है, टिटनेस है, ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है हमारे लोकेलिटी में। तो इन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू किया है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में। आज की जो ये वीडियो है इसमें हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है ऑफ चैप्टर 13 आर कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ओनली। टिल देन थैंक यू।